कुछ टीवी कलाकार अपने समय में बेहद लोकप्रिय होने के बाद एकदम से ऐसी गुमनाम जिंदगी में चले जाते हैं कि आश्चर्य होना स्वाभाविक है। आज हम आपको बताने वाले हैं रामानंद सागर के मशहूर धारावाहिक श्री कृष्णा के मुख्य कलाकार, जिन्होंने कभी श्री कृष्ण के किरदार को बड़ी खूबसूरती के साथ टेलीविजन पर इस तरह पेश किया कि घर घर में उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुँच गयी थी। इमेज गूगल पर आज ये टीवी जगत से कोसों दूर है। हम बात कर रहे हैं एक्टर सर्वदमंडी बनर्जी के बारे में, जिन्होंने कभी दर्शकों के दिल में आदर और सम्मान की वो जगह प्राप्त की थी जो शायद किसी अभिनेता को न मिली हो। श्री कृष्णा के बाद भी अर्जुन, जय गंगा मैया और ओम नमः शिवाय जैसे कई सीरियलों में काम किया और कृष्ण का किरदार ही निभाया। शायद इस किरदार को उनसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता था। टीवी के बाद उन्होंने बड़े पर्दे पर भी अपनी किस्मत आजमाई और स्वामी विवेकानंद, स्वयं कृषि आदि शंकराचार्य जैसी धार्मिक पृष्ठभूमि वाली फिल्में में अभिनय किया, पर उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कहा और गुमनामी के जीवन की ओर निकल पड़े। इस वक्त वो ऋषिकेश में रहते हैं, जहाँ पर वो लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं। उनका मानना है वो चकाचौंध भरी दुनिया से दूर होना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने खुद अपने लिए शांत जीवन का चुनाव किया। उन्होंने के इंटरव्यू के दौरान कहा कि एक वक्त होता है जब आपको ये सब अच्छा लगता है कि नाम कमाया जाए, पैसे के पीछे दौड़ा जाए, पर इन सब से अलग एक ऐसी दुनिया है जहां आत्म शांति है, भागदौड़ नहीं है, और उन्हें इसी तरह के जीवन की तलाश थी। इसी कारण वश वो सब कुछ